आज हम बनाएंगे यूपी बिहार स्पेशल चना दाल कचौरी, जो कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और खस्ता कचौरी बनने वाली है। तो ये फ्रेंड्स बनाते हैं यूपी स्पेशल चना दाल कचौरी। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये 250 ग्राम हमारी चना दाल है। इसको हम रात भर के लिए भीगने के लिए रख दिए थे, तो फूल चुकी है हमारी चना की दाल। इसको पानी से हम निकाल लेते हैं बाहर। इसके बाद ग्राइंडर जार में हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो अब चना दाल हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसी के साथ हम 10 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच टुकड़ा अदरक का डाल करके पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये फाइन पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक और कुछ मसाले मिलाएंगे। तो नमक हमने स्वाद के अनुसार मिलाया है और लाल मिर्च भी हम अपने स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। आप जितना कम ज़्यादा तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद हम 2 छोटे चम्मच मिलाएंगे धनिया पाउडर। दो छोटे चम्मच मिलाएंगे गरम मसाला पाउडर। एक छोटा चम्मच हमने डाल दिया है जीरा। एक छोटा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन हाथों से क्रश करके। चना दाल कचौरी में मसाला भर भर के डालते हैं तभी चना कचौरी का मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो ये हमने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून हम डाल दिया कसूरी मेथी। इससे कचौरी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक टेबल स्पून हमने सौंफ डाली है। सौंफ तो कचौरी की जान होती है। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया बारीक कट करके और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम आटा मिलाएंगे गेहूं का। 2 कप गेहूं का आटा हम मिलाएंगे ताकि हमारा सख्त डो तैयार हो जाए। अगर 2 कप आटा मिलाने के बाद भी अगर आपका जो डो है वो ढीला लगे तो आप और आटा मिला सकती हैं। ये हमने 1/2 कप मिला दिया है सूजी। इससे हमारी जो है खस्ता और क्रिस्पी कचौरी बनेगी। अगर आपको आटा की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और मिला सकते हैं। याद रखें कचौरी का डो सख्त ही होता है। तो ये हमारा कचौरी का डो तैयार हो गया है। आप चाहें तो भरवा कचौरी बना सकती हैं, स्टफिंग अलग से तैयार कर सकती हैं। मैंने तो इसी में मिला लिया है सब कुछ। आज इस तरीके से मैं चना दाल की कचौरी बनाऊंगी। तो आटा हमारा सेट हो गया है। 2 से 3 मिनट ढक करके हमने रख दिया था। अब इसकी हम तोड़ेंगे छोटी छोटी लोइयाँ। आपको कचौरी जितनी बड़ी बनानी है उतनी उतनी लोइयाँ आप तोड़िए। तो छोटी छोटी हमने लोइयाँ तोड़ ली है। अब इसे हम बेलेंगे। ज़्यादा पतला हमें नहीं बेलना है। आप देख लीजिएगा कैसे बेल रहे हैं हम। हमने डस्ट बिल्कुल नहीं लगाया है आटे का। सरफेस पे तेल लगा करके और बेलन में तेल लगा करके हम इसको बेल रहे हैं। तो जब हमारी सारी कचौरी बेल जाएंगी तब हम फ्राई करेंगे इनको। तेल हमने गैस में गर्म होने के लिए रख दिया है। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में हम कचौरी तलेंगे। आप चाहें तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। फ्लेम को हम मीडियम पे कर देते हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे घुमा घुमा के, हल्का हल्का प्रेस करते हुए घुमाएंगे ताकि कचौरी हमारी खूब फूली फूली बने। तो देख रहे हैं आप कितनी फूली फूली कचौरी बन करके हमारी तैयार हो गई है। इसी प्रोसेस से हम सभी को फ्राई कर लेते हैं, सेक लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, चना दाल कचौरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा रेसिपी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। कितनी बढ़िया खस्ता क्रिस्पी और फुली फुली कचौरी बन करके तैयार हो गई हैं। आप रायता चटनी या इमली की चटनी या छोले से आप इनको सर्व कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।